मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। पता है किस चीज को लेके? पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ते हुए देखकर। भैया बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि 500 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। पैसे के अंदर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए ना जो कि बिना पेट्रोल के चलती हो। जी हाँ गाइस, अभी जमाना रख दे आराम से रख दे। तो अभी जमाना आ गया है कि कारें जो है वो इलेक्ट्रिक हो गई है, यानी कि कारें इलेक्ट्रिकल से चल रही है, बाइक जो है वो भी इलेक्ट्रिकल हो गई है, लेकिन शरीर का क्या? हाँ, क्या शरीर का क्या मतलब ये कि यार, मतलब गाड़ियों के अंदर बैठो, पैर जमीन पे रखो ही मत, ये एक्सरसाइज भी तो होनी चाहिए। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। और एक्सरसाइज के साथ साथ अगर अपने को एक ऐसी चीज मिले जो कि इलेक्ट्रिक हो और अपने काम भी आए, अगर अपने को ऑफिस जाना है या छोटी मोटी जगह पे जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, स्कूल जाना है, तो उसके अंदर एक्सरसाइज भी हो जाए और जब अपन थक जाए तो इलेक्ट्रिकली भी चले, है ना। और साथ साथ आप लोगों के भी काफी ज्यादा कमेंट्स मैंने पढ़े हैं इस टाइप के कि भैया इलेक्ट्रिक बाइसिकल यानी कि इलेक्ट्रिक साइकिल के ऊपर कोई वीडियो बनाओ तो मोटे उठाए एक बार फिर से बीच में लेके आ। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन इलेक्ट्रिक साइकिल ई मोटर आर्ट की डूडल। गाइस यार, ये जो बाइसिकल है ना, ये अपने आप में ही यूनिक है, इसका डिज़ाइन यूनिक है, इलेक्ट्रिकल चलती है, 25 किलोमीटर प्रति आवर की टॉप स्पीड है और साथ ही साथ एक चार्ज के अंदर 35 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलती है। और साथ ही साथ गाइस, तो चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और एक और खास बात ये है कि आप खुद देख लो यार कि एक पूरी बाइसिकल इस बक्से के अंदर आ गई है। सोचो बाइसिकल कितनी बड़ी होती है और कितनी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन इस बक्से के अंदर एक बाइसिकल है, कोई सोच सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। गाइस, ये जो बाइसिकल है ये फोल्डेबल है। जी हाँ गाइस, जो नॉर्मल दूसरी बाइसिकल होती है उनसे बिल्कुल अलग। तो चलो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, तो ई मोटर आर्ट को मैंने कहा कि भैया एक बाइसिकल तो मुझे चाहिए, तो उन्होंने मुझे मेरे पास भेज दिए। तो चलो अब इसे आपके सामने भी पेश करते हैं, ई मोटर आर्ट की डूडल। तो गाइस देखो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है, मैं इसे खोलता हूँ और इसके अंदर है बाइसिकल। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मस्त है। और गाइस पैकेजिंग देखो कितने शानदार तरीके से की है, स्टैंड हमें लगानी पड़ेगी आई थिंक जो बाइसिकल है उसकी। और इसको सीधा करते हैं, ये देखो गाइस, वाह। तो गाइस यार, ये रही इसकी सीट और ये रहा इसका हैंडल। अरे वाह यार, ओ डिस्क ब्रेक भी है गाइस इसके अंदर। ये देखो गाइस, डिस्क ब्रेक है और यहाँ पर मोटर है यानी कि इलेक्ट्रिक है इस वजह से। तो इसे खोलते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस यार, पूरी तरीके से असेंबल होने के बाद हमारी जो इलेक्ट्रिकल बाइसिकल है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, है ना, काफी ज्यादा ऑसम और शानदार। भैया यार, लुक वाइज एक नंबर है। और साथ साथ इसकी खास बात ये है कि ये बाइक कम मोटरसाइकिल कम, मतलब कि पूरा मिक्सचर है यार, बाइक भी है, मोटरसाइकिल भी है और साइकिल भी है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक। अरे कहना क्या चाहते हो? और गाइस यार, इसकी सबसे कमाल की और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो है ये, देखना अभी देखना जादू। मैंने यहाँ पर ये जो क्लिप है इसे इस तरीके से हटाया तो इसका जो हैंडल है वो कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। फिर यहाँ पर एक हैंडल है, इसे ऊपर करके इस तरीके से इस लीवर को जैसे ही पुल करते हैं, ये पूरी साइकिल ही कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। जी हाँ गाइस, देखा अपने आप में ही, देखा कभी ऐसी साइकिल कि पूरी तरीके से फोल्ड हो गई हो, और फोल्ड होने के बाद इसे हम आसानी से उठा के अपनी गाड़ी के अंदर भी रख सकते हैं। देखो टंटना, कभी देखा है कि एक बाइसिकल किसी कार के अंदर फिट हो गई हो? तो गाइस यार, ये फिट हो गई है। अब चलते हैं किसी रोड के ऊपर और रोड के ऊपर जाने के बाद मैं इसे चला के भी दिखाऊंगा और इसके अंदर और भी जो कई सारे फंक्शंस है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलो किसी रोड पर चलते हैं।
गाइस अभी यहाँ पर निकालते हैं अपनी बाइसिकल को बाहर। देखा, ये फायदा है, कहीं पे भी फोल्ड करो, लेके जाओ, निकालो और जहाँ पे जरूरत हो वहां पे चला लो। आ जाओ बेटे। तो गाइस यार अभी ये नॉर्मल मोड के अंदर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखो, रात को चलाने के लिए यहाँ पर फ्लैश लाइट है, शॉक एब्जॉर्बर्स को बंद करने के लिए भी लॉक है, अगर इसे घुमा देते हैं तो जो शॉक एब्जॉर्बर्स है वो काम नहीं करेंगे। और यहाँ पर है इसकी बैटरी, ये जो जगह है ये बैटरी के लिए है। अभी देखो, गियर्स के लिए भी इसके अंदर मीटर है, ये देखो, और साथ ही साथ इसके अंदर एक डिजिटल मीटर भी है। इस मीटर की मदद से हम इसे इलेक्ट्रॉनिकली चालू भी कर सकते हैं और साथ ही साथ किलोमीटर कितने हुए हैं, कितनी रफ्तार है, बैटरी कितनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। साथ ही साथ देखो पीछे की तरफ ये जो लाइट है ये कोई नॉर्मल लाइट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ब्रेक लगाने पर ये ठीक गाड़ियों की तरह ही चलती है, मतलब जलती है यार। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि गियर सिस्टम है, और जो गियर सिस्टम है वो भी प्रीमियम क्वालिटी का है। और गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसे ऑन करके। तो देखो, इस बटन को प्रेस करने पर ये जो गाड़ी है ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑन हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होगी, इसके अंदर भी बाइक की तरह चाबी लगती है। ये देखो, ये चाबी है, और जो चाबी है वो लगती है यहां पर। बिना चाबी के ये इलेक्ट्रॉनिकली काम नहीं करेगी। ये हो गई ऑन, चाबी लग चुकी है, और अभी देखना ये हो गई ऑन। गाइस आप देख सकते हैं कि इसका जो मीटर है वो ऑन हो गया है, बैटरी फुल है, 14 किलोमीटर के लगभग ये गाड़ी चल चुकी है, आई मीन साइकिल चल चुकी है। इसके अंदर हॉर्न भी है गाइस, देखो, और साथ ही साथ अगर मैं इस प्लस के बटन को दबा के रखूं तो आगे की हेडलाइट जल गई होगी। ये देखो, ये लाइट जल चुकी है, और इसी से ये बंद भी हो जाएगी। गाइज है ना काफी कमाल का सिस्टम। और गाइज यार ये देखो, इस हैंडल के अंदर ये जो इतना सा पार्ट है ये है इसका एक्सीलेटर। जैसे ही मैं इसे खींचता हूँ गाड़ी आगे चलती है, देखना, जैसे ही मैं इसे खींचता हूँ देखना। अंदर दोनों जो ब्रेक्स हैं वो डिस्क ब्रेक है। और गाइस यार इसकी एक और कमाल की बात पता है क्या है, इसके अंदर अपन मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। देखना, इसको दबाने से इसके अंदर जो मोड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखना, ये देखो, ये L1, L2, L3, इसका मतलब ये होता है, देखो दो तरीके से हम इसे चला सकते हैं। एक तो देखो, नॉर्मली इसको एक्सीलेटर को खींचने पे चलेगी, वो तो चल रही है, ठीक है ना। और अब जो दूसरा मोड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, अभी जैसे ही मैंने ये पेडलिंग करना स्टार्ट किया तो ये देखो ऑटोमेटिकली इसकी जो मोटर से उसने काम करना शुरू किया, फिर से पेडलिंग स्टार्ट की, फिर से मोटर काम करने लगी। मतलब कि आधा दम मैं लगा रहा हूँ और आधा दम जो है बाइसिकल खुद लगा रही है। ये देखो अभी ये फिर से धीरे हो जाएगी, जैसे ही पेडल लगाऊंगा ये फिर से तेज हो जाएगी। देखो, मैं एक्सीलरेटर नहीं खींच रहा हूँ, ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है अपनी स्पीड, आई मीन बाइक जो है अपनी स्पीड एडजस्ट कर रही है। जो स्पीड है वो भी मैक्सिमम चलेगी, पेडल मारते ही देखो वो। गाइस मुझे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लग रहा है, साइकिल जो है बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है, बहुत ज्यादा। और गाइस जो स्पीड है वो मैं देख पा रहा हूँ 25 से भी ऊपर। कंपनी ने 25 क्लेम किए लेकिन मैं इसे 25 से भी ज्यादा तेज चला रहा हूँ। तो गाइस यार है ना काफी मस्त। और साथ ही साथ इसकी एक और कमाल की बात यह है कि चलते चलते भी ये चार्ज हो जाती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि मतलब कि आप जो है इसे घर पे ही चार्ज करो, ये चलते चलते भी जैसे अगर उतार आ गई या फिर नीचे सड़क आ गई तो ये अपने आप चार्ज भी होती जाएगी। तो यार ये भी अपने आप में ही एक कमाल की बात है।
और जब अपने को इसे इलेक्ट्रिकल मोड पे नहीं चलाना हो तब सिंपली इस बटन को दबाओ और स्विच ऑफ कर दो, और उसके बाद में साइकिल बिल्कुल नॉर्मल साइकिल बन जाती है, गियर वाली। एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज करो, और थक जाओ तो इलेक्ट्रिकली चला लो, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, कहीं पे भी जाओ, बहुत ही अच्छी बाइक है। तो गाइस यार देखो, मेन चीज़ ये है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी तो कॉस्टली है, लेकिन कॉस्टली है तो उसका पैसा भी पूरा पूरा वसूल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलने वाली है, गारंटी के साथ आती है, कोई भी चीज़ आसानी से ख़राब नहीं होने वाली है। तो गाइस यार आई होप ये साइकिल और ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। तो गाइस यार इस साइकिल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस पे बैठने के बाद बिल्कुल वैसा ही फील आता है जैसे वो फॉरेनर्स नहीं चलाते वीडियोस के अंदर टिकटॉक वगैरह, या फिर जो भी वीडियोस होती है यूट्यूब पे, या फिर जो भी इंटरनेट पे आप देखते हो, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये देखो गाइस, ये है इसकी बैटरीज के कनेक्शन, ये वाली बैटरी इससे जुड़ती है, देखो ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ है यार। और गाइस यार इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी इसके पास में ही है, देखो इस साइड में, ये रहा, यहाँ से ये जो बैटरी है इस गाड़ी की वो चार्ज हो जाती है, नीचे चाबी लगती है, बाकी तो आपने देख ही लिया।